KSN 24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानिशी और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 6 दिसंबर 2019 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्रद्धांजलि दिवस के रूप में अंबेडकर चौक में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर बाबा साहब को याद किया गया तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से कलेक्टर परिसर के लिए रवाना हुए। फिर कलेक्टर परिसर में पहुंचकर बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मौन व्रत रख कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से एडवोकेट राजकुमार पात्रे, DR बघेल, मोहन सोनकर, भूपेंद्र गिलहरे, वीरेंद्र डहरिया, अमित यादव, दासीराम कोसले, सागर धीरतलहरे और सभी समाज के बुद्धिजीवी गण उपस्थित रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके दलित शोषित समाज को के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति में बाबा साहब ने जो अपना योगदान दिए हैं, आज हम दलित शोषित समाज के लिए उल्लेखनीय है और अविस्मरणीय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के साथ साथ विभिन्न स्तर पर इस शोषित समाज को ऊपर उठाने का काम किया है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस में हम एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो नहीं रहे, लेकिन हम उनके कारवां को, उनके सपनों को साकार करने के लिए समस्त बुद्धिजीवी साथी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध जनों का यहाँ पर उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। हम बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि ऐसे महामानव के छत्र छाया में हमको जीने का अधिकार दिया, हमको अपना हक और अधिकार को पहचानने का उन्होंने अवसर दिया, जागरूकता लाया। इसके लिए पूरा समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा और उनके यह उपकार को हम लोग सदैव अपने जीवन में बिठा कर रखेंगे ताकि उनका सपना साकार हो सके और कोई भी समाज वंचित न रह सके, शोषित न हो सके। आपका परिचय क्या है? डॉक्टर भूपेंद्र गिलहरे, व्याख्याता। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 63वीं पुण्यतिथि के अवसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अनुयायी आज बाबा साहब अम्बेडकर चौक में इकट्ठा हुए हैं। आज के ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं रहे और 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अपने पीए रत्तू भाई से कहा था कि रत्तू भाई, मेरे लोगों से कहना कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में, विभिन्न झंझावतों के बीच मैंने इस कारवा को बड़ी मुश्किल से खींचकर यहां तक लाया है, यदि वो आगे नहीं बढ़ा सकते तो उनको पीछे भी जाने मत देना। तो हम बाबा साहब के उस आखिरी जो संदेश था, उस संदेश को पूरा करने के लिए बाबा साहब के उस कारवा को हम पीछे जाने देने के लिए भरपूर ताकत लगाए हैं कि वो बाबा साहब की कारवा पीछे ना जाए और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब के सपना जो है साकार हो, उनके कारवा को बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे सभी साथी, हमारे अनुयायी, अधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी आज बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने में आज बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसलिए हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके कार्यों को याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका परिचय? मैं एडवोकेट राजकुमार पात्रे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा छत्तीसगढ़ और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के हम सभी लोग जिम्मेदार साथी हैं। अधिकारी कर्मचारी के बीच में आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए बलौदा बाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।